हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। ये मेरा ब्लॉग है दशहरा सेलिब्रेशन का। मैं नवरात्रे और डांडिया वाला ब्लॉग पहले ही डाल चुकी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दशहरा सेलिब्रेशन था नवरात्रे के बाद। यहाँ पे नालंदा ग्राउंड है, ये IIT दिल्ली का है। ये नालंदा ग्राउंड है जहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था। और कोविड के टाइम तो ये कोविड के बाद तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया। काफ़ी सारे लोग आ रखे थे, काफ़ी रश था। ये सारे ये IIT के मेंबर्स हैं, जो स्टाफ वाले लोग होते हैं, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, सारे लोग आ रखे थे। और अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा सा था, आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए थे। तो दशहरा सेलिब्रेशन में सबसे पहले ये स्टार्टिंग झांकी से हुई थी। भगवान राम जी और लक्ष्मण, ये सारे झांकी में आए थे। हनुमान जी आए थे, उनकी पूरी ये सेना थी। काफ़ी सारे लोग आए थे, तब ये झांकी उन्होंने लगा रखी थी। और साथ में रावण भी था, जिसको जो जलने वाला था आज। तो यहाँ पे इन्होंने, जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ये उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे एक सत्संग की मंडली भी है जो ये सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे नवरात्रि सेलिब्रेशन हो गया, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो गया, और दशहरा सेलिब्रेशन, यहाँ पे छठ पूजा भी होती है। सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सब मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बिकॉज इससे पहले कोविड था। तो कोविड में तो सारी चीज़ें बंद थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा था। मैंने तो बचपन में कभी रावण को जलते हुए देखा था, उसके बाद अब लाइव देखा तो बहुत अच्छा लगा था। और इतने सारे लोग थे तो काफ़ी अच्छी वाइब थी, काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेशन था। ये जो सेलिब्रेशन था ये नालंदा ग्राउंड में हुआ था, IIT में ही। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था। सो ये हूँ मैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।